आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से पहुंच चुके हैं पूरी जगन्नाथ, जहां पे रथ यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से निकाला गया 21 तारीख को। और आज आप देख सकते हैं कि यहां पे जो है 1.5 किलोमीटर लगभग होता है। मुख्य मंदिर जो है इस ओर है, जो कि सामने के लोकेशन में आपको पड़ेगा, और वहां से रथ यात्रा को चला के और फिर यहां पे रखा जाता है 9 दिनों तक, और 9 दिन के बाद फिर यहां से प्रारंभ होकर वहां तक जाती है। तो ये जो रथ यात्रा है, पीछे की दृश्य में आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ का, उनकी बहन का और उनके बड़े भाई का, बलभद्र का। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा कैप्चर करने वाले हैं जगन्नाथ रथ यात्रा 2023 मेला, जो कि बहुत ही भव्य तरीके से लगाया गया है और बहुत संख्या में लोग मौजूद है। और देख सकते हैं ये इंडिया का सबसे बड़ा मेला है रथ यात्रा में, जो कि पूरी में लगता है, जहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में भक्तजन जुड़ते हैं। अभी हम दर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे आप दर्शन करेंगे और क्या क्या चीजें प्रोसीजर है, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये पीछे का लोकेशन में भव्य नजारा का आप दर्शन करें भगवान जगन्नाथ का। आज जिसमें एक भगवान जगन्नाथ है, उनकी बहन की है, और फिर एक बलभद्र का, उनके भाई का, बड़े भाई का। और जब कभी भी आप आते हैं ना, देखिए ये लोकेशन में तो आप आ सकते हैं अभी, लेकिन अंदर जो है दर्शन करने के लिए, उसी के पीछे जो मेन मंदिर है ना मौसी में, जहाँ पे मंदिर जो कहते हैं, तो वहाँ पे ये मंदिर जो पीछे के लोकेशन में वो मंदिर है, तो यहीं पे लाके रखा जाता है 9 दिनों तक। यहाँ पे भी अंदर जाने के लिए एक चीज प्रोसीजर है कि आपको जो है पहले आपको चप्पल बाहर खोलना पड़ेगा एंड आपको मोबाइल जो है वो जमा देना पड़ेगा कहीं पे। अगर मोबाइल जमा देने की बात करें तो आई थिंक आगे है स्टैंड, तो देखते हैं, नहीं तो अगर आपके साथ कोई साथी आता है तो एक साथ उनको दे देंगे, फिर एक दर्शन करके आएंगे, फिर एक इस तरीके से कर सकते हैं। और ये जो पूरा रूट है ये बस स्टैंड के पास ही पड़ता है। ये सामने के लोकेशन में बस स्टैंड है, जो कि पूरी का बस स्टैंड है, और उसके बगल में देखिए पूरा सजावट, बहुत ही बड़ी संख्या में ये मेला लगाया गया, जो कि बहुत संख्या में लोग मौजूद है। चारों तरफ से अगर आप देखें ना, तो एक एक लोगों की जनसंख्या देखिए कितना ज्यादा है। और ये मेन एंट्रेंस जो है, ये लाइन जो है बहुत दूर तक है, वहां से लाइन चालू होता है, वो सामने का लोकेशन में आपको दिख रहा होगा, वहां से लाइन चालू होता है, और उधर से आते आते ना ये पूरा लाइन जो है अंदर की ओर जाती है, और फिर अंदर जाके आप दर्शन कर सकते हैं और फिर पुनः उधर से आप वापस आ सकते हैं। तो बहुत ही पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से मौजूदगी है, बहुत संख्या में पुलिस प्रशासन भर दिया गया है, चक्के चप्पे चप्पे पे पुलिस की जो मौजूदगी है वो आप देख सकते हैं, मुस्तैद है पूरी तरीके से, लाठी वगैरह लेके, तो ऐसा कोई दिक्कत ना हो जिसकी वजह से हमेशा यहाँ पे जो है पुलिस वगैरह सब कुछ भर दिया गया है पूरी तरीके से। और इधर देख सकते हैं फास्ट एड का बना हुआ है, पुलिस कंट्रोल रूम बना हुआ है, साथ साथ में ATM का सुविधा आपको मिल जाएगा, और बीच बीच में गाड़ी वाले उसमें आपको बहुत सारे जो है ATM वो मिल जाएंगे, कार ATM। इसके साथ साथ में इन्फॉर्मेशन सेंटर जगह जगह पे बनाए गए हैं, जो कि अगर आपके कोई खो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं तो यहाँ से आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं इनको बता के, जो कि ये देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है इन्फॉर्मेशन सेंटर। सामने के लोकेशन में ये तीनों आपको भव्य नजारा दिखेगा। उसी के बगल में वाटर टेंडर लगाया गया, जो कि फायर एग्जिस्टर अगर कोई ऐसी होती है तो उसके लिए, इमरजेंसी पीरियड के लिए। और पूरी तरीके से यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो तैयार हैं, अगर कुछ ऐसा इनकेस होता है तो उसके लिए पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो रखी गई है बैकअप में, ताकि ऐसा कुछ घटना ना हो। और ये मेला जो है ये बहुत बड़ा है, बहुत संख्या में लोगों की जनसंख्या है, दूर दूर तक अगर आप इस रोड को देखें तो आपको लोगों की जनसंख्या से पूरा भरा पड़ेगा, बहुत दूर दूर तक, इस साइड पे भी बहुत दूर दूर तक आपको मिलेगा। देख सकते हैं दोस्तों तीनों रथ यहाँ पे है, जो कि भगवान जगन्नाथ का सबसे पहले है, उसके बाद सुभद्रा का है, उसके बाद जो है बलभद्र उनका बड़े भाई का। तो ये तीनों रथ को यहाँ पे रखा गया और यहाँ पे 9 दिनों तक रखा जाएगा, देन यहाँ के बाद फिर ये वापस रथ को खींच के और फिर मंदिर के परिसर में ले जाते हैं। तो अभी जब आप आएंगे तो अभी यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे अंदर जाके, चूंकि काफी संख्या में लोग अभी भी पहुंचे हुए हैं, हर रोज लाखों लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं। पूरी तरीके से पीछे में देखे ना तो ये लंबा लाइन है, जो कि बहुत दूर तक है, और लाइन में लगिएगा वहां से, देन आगे आइएगा और आगे आके और फिर यहाँ से अंदर जाइएगा, तो इसमें जो है प्रतिमा रहता है भगवान का तीनों का, उनका जो है अभी जो है अंदर मंदिर में रखा गया है, और फिर इसमें इस जो आपको दिख रहा है इसमें प्रतिमा रखकर फिर आगे की ओर जाते हैं भगवान को विराजमान करके। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये रथ यात्रा का पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें से काफी संख्या में लोग आते हैं। ये आपका देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ का पहला रथ है ये वाला, उसके बाद आपका सुभद्रा उनकी बहन का, और उसके बाद जो है बलभद्र का उनके बड़े भाई का। तो ये तीनों रथ सीरियल वाइज रखा गया, पहले दूसरा तीसरा, तीन रथ को तैयार करके रखा जाता है, तीनों रथ में सवार होके भगवान आते हैं। और देन यहाँ अभी जो है ये बस स्टैंड के पास ही मंदिर है, यहाँ पे अभी भगवान गए, और यहाँ के बाद फिर जो है
जगन्नाथ पुरी का जो मेन मंदिर है वहाँ पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे आने के लिए अभी आप आते तो ये पूरा मेला घूम सकते हैं। देखिए पूरी संख्या में बहुत बड़े क्षेत्र में बनाया गया है, दोनों तरफ से स्पेस है, चूंकि बड़ा रोड है तो दोनों तरफ से बहुत सारे बूथे मिल जाएंगे, मेडिकल विभाग और भी सारे। आपको चप्पल और मोबाइल रखने के लिए स्टैंड मिल जाएगा जगह जगह पे, जहाँ पे आप रख सकते हैं, चूंकि अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है यहाँ भी, तो अंदर आपको मोबाइल ले जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो ये जितने लोग जा रहे हैं ये मोबाइल जमा करके जा रहे हैं, तो मोबाइल जमा करने के लिए क्या है कि आपको 20 रुपए देना पड़ेगा, 10 से 20 रुपए लेते हैं वो, जमा ले लेंगे, या फिर ऐसे ही आप चप्पल जूता ऐसे रख सकते हैं आके फिर आप ले सकते हैं। तो काफी लंबा लाइन है, घूम के जाके फिर दर्शन करना पड़ता है। अभी हमारा दर्शन हो गया इसीलिए हम बाहर आ चुके हैं। और ये आपका कुल मिलाकर ये है तीनों का जो मंदिर का ये है। और सामने के लोकेशन में देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगे, एटीएम वगैरह सुविधा, पुलिस प्रशासन जगह जगह पे पूरी तरीके से मुस्तैद है, इन्फॉर्मेशन सेंटर है, अनाउंसमेंट लगातार किया। यहाँ तक आप दर्शन कर सकते हैं पूरी तरीके से, देख सकते हैं और इसके नजदीक जाने के लिए ना और भी नजदीक आप जा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर आपको जाना है, छूना है, टच करना है रस्सी वगैरह, तो वो थोड़ा सा आगे जाके आप कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ है, काफी संख्या में लोग आते हैं, लगातार अनाउंसमेंट भी किया जाता है। देखिए कुछ ऐसी घटना होती है ना तो लगातार अनाउंसमेंट भी किया जाता है, इसको पूरा कैप्चर कर सकते हैं। और अभी के टाइम में अगर आप आ रहे हैं तो जगन्नाथ पुरी, तो स्पेशल ये है कि रथ यात्रा आप जो है वो आप देख सकते हैं और साथ साथ में भगवान का दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये पूरा देख सकते हैं, बहुत संख्या में लोग विजिट करते हैं, लंबा लाइन है, बहुत ज्यादा लंबा है। इन्हीं रस्सियों को खींच के रथ को लाया गया और अब रथ को यहाँ पे रखा गया है। 9 दिन तक ये यहीं पे रहेगा, देन फिर यहाँ से 9 दिन के बाद ले जाया जाता है। तो ये मोटा मोटा रस्सी जो दिख रहा ना और मोटे मोटे चक्के, जिसका वीडियो हमने पहले भी बनाया, जो कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल में क्लिक करके, कैसे तैयार किया जाता है। ये इतना भव्य नज़ारा जो आपको दिख रहा है ना, इसमें बहुत मेहनत लगता है, तब जाके ये पूरा लकड़ी से तैयार होता है ये पूरा रथ, और देन फिर इसमें भगवान विराजमान होते हैं और फिर इसे जो है ले जाया जाता है। तो ये पूरा रथ को तैयार करने में बहुत टाइमिंग लगता है, तब जाके तैयारी, जितना भी आइटम आपको दिख रहा है, जितने भी सारी चीज़ें बनी हुई है, वो सारा एक एक लकड़ी से बना हुआ है। इसमें भगवान सवार होते हैं और चारों तरफ से पंडे वगैरह रहते हैं और फिर इसे खींचा जाता है। बहुत वजन होता है, बहुत संख्या में लोग खींचते हैं और कहते हैं कि जो इस रस्सी को खींचता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, सारे पापों से वो छुटकारा पाते हैं। तो अगर रस्सी खींचना या रस्सी को छू देना भी उनके लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण होता है और भगवान जगन्नाथ उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण करती है, जिसके द्वारा यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो अलग अलग लोग आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, बहुत ही अच्छा स्पेस है। आप भी आइए पूरी और जगन्नाथ पूरी आइएगा तो यहाँ पे आप इस पल का आनंद ले सकते हैं। आपको मिल जाएगा इस तरीके से बीच बीच में, चूंकि अंधेरा ना रहे, बच्चों के लिए खेलने के लिए अलग अलग यहाँ पे ट्यूब जो है अभी तैयार किया जा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। उधर आपको बड़े झूले मिल जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, पूरी तरीके से मेला लगा हुआ है, अभी हम आपको ले चलते हैं। और ये सामने आपका रथ मिल जाता है, मेला जो है वो सामने ही मिल जाएगा, रथ यात्रा के सामने ही। यहाँ पे अलग अलग ट्रेडिशनल का सामान आपको मिल जाएगा, लोकल से लेकर दूर तक का, और पूरा ये जो राउंड है ना अलग अलग, इसमें बहुत सारे वैरायटी के सामान मिल जाएंगे, खाने पीने से लेकर जो अपना शॉपिंग का होता है, मार्केटिंग का होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डेमो स्टॉल भी है जहाँ पे दिखाया जाता है करके, और ये स्कील
आप पाएंगे ना सामने के लोकेशन में जो पूरा रोड मिलता है वो पूरे में पूरी तरीके से जो है आपको बहुत सारे दुकानें मिलेंगे जो कि अब खोल दिया गया है और ये पूरा जो है मेला लग चुका है, बहुत संख्या में भीड़ होता है। इधर आपको अलग अलग कंपनीज का मिलेगा, देख सकते हैं सिद्धार्थ टीवी नेटवर्क का यहाँ पे वो कुछ है अपना, आगे देखिएगा तो आगे किसी और का मिलेगा। तो इस तरीके से अलग अलग जो है यहाँ पे कोट का पूरी तरीके से आपको बॉडी परफ्यूम मिल जाएगा, स्प्रे वगैरह, और इधर बच्चों का खेलने का झूले लगाए गए हैं, ठेले बहुत सारे मिलेंगे, सिकंजी वगैरह पीना है तो और वो सब भी ले सकते हैं। तो ये पूरा पोर्शन जो है ये पूरा मेला का ही है, उस साइड पे मेन रोड है और दोनों साइड पे किनारे किनारे रोड के किनारे आपको पूरा भीड़ ही भीड़ मिलेगा। अभी भीड़ बढ़ ही रहा है और भी ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि और संख्या में लोग आ रहे हैं अलग अलग, तो और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। सारी खरीदारी ना आप यहाँ आके कर सकते हैं जैसे सजाया गया हुआ हो। तो ये मेरी लाइट का है, मेरी गोल्ड जो आता है उसका, इधर आपको दिख जाएगा गोल्ड विनर का जो कि तेल वगैरह उसका आता है आई थिंक। यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा बहुत सारे अलग अलग कंपनियाँ हैं ना, उन्होंने अपना अपना बूथ लगाया हुआ और ये पूरा मेला का आप आनंद ले सकते हैं, जब कभी भी आप यहाँ आएंगे तभी ले सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं। तो ये है पूरी का अभी का माहौल जो कि कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। देखिए पान वगैरह का अलग है, इधर आपका अलग गोपाल का अलग है, इलायची वगैरह जो इसका प्रोडक्ट आता है। तो सभी प्रोडक्ट्स वाले ना अपने अपने बूथ को लगाए हैं अलग अलग और अनाउंसमेंट करके और लोगों को बुला के और फिर बेच रहे हैं। देखिए तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आपको अलग मिल जाता है, टी का मिल जाता है, यहाँ तुलसी का मिल जाता है, ये ब्रांडेड है तुलसी का, रजनीगंधा। देखिए कितना ज्यादा भीड़ है, अभी भी लोगों की जनसंख्या जो है बढ़ते ही जा रहा है क्योंकि शाम का मौसम हो गया, लेकिन लोग जो है वो आना जाना लगा हुआ है तो काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। और अगर आपको पूरी आना है ना, जगन्नाथ पूरी घूमना है, तो अभी का टाइम सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट टाइम है कि अभी आप आएंगे ना तो रथ यात्रा को कवर कर सकते हैं और पूरी तरीके से जो यहाँ का मेला लगा हुआ उसको कवर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को ना आप देखेंगे ना, बहुत ही मनोरम दृश्य है, तो अभी आपको आना चाहिए। अगर आप रथ यात्रा में आते हैं बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी भी लोगों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, अलग अलग ब्रांड वाले दुकान खोले हुए हैं, मतलब अलग अलग जो है आपको यहाँ पे कैंपेनिंग बूथ टाइप से मिल जाएगा, उसमें सारे लोग अपने अपने दुकान प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं और खाने पीने का सभी सामान आपको मिल जाएगा। पीछे आपको देख सकते हैं रथ यात्रा हुआ है उधर, तो ये पूरा जो रोड है ये पूरा जाम रहता है और इसी में लोग जो है घूमते हैं, और गाड़ियाँ वगैरह भी यहाँ पे बहुत सारे चलती रहती है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। साथ साथ में यहाँ पे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन में कौन सी ट्रेन कब आ रही है, कितना लेट है। भीड़ देखिए कैसे बढ़ रहा है, कितना ज्यादा भीड़ है, और ये सामने रथ यात्रा जो है रथ वो रखा हुआ तीनों, और भीड़ देखो आप कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अभी शाम का वक्त हो चुका है, सुबह से ये भीड़ की संख्या ना बहुत ज्यादा है। यही वो मंदिर है जो कि आप देख सकते हैं रथ के पीछे जो है, यही मंदिर में 9 दिनों तक भगवान रहते हैं और देन फिर यहाँ से मेन मंदिर में, जहाँ के पुरी का जगन्नाथपुरी का मेन मंदिर है जो कि यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर लगभग है, वहाँ पे फिर ले जाया जाता है इस रथ में सवार होके। तो भगवान को पहले पूरा शहर जो है वो घुमाया जाता है और देन फिर इस वाले मंदिर में, मेन मंदिर जो है इसके अंदर है जहाँ पे रखा जाता है। अभी भगवान का दर्शन आपको करना है, जगन्नाथ का, भगवान जगन्नाथ सुभद्रा और उनके बड़े भाई का बलभद्र भगवान का, तो आपको अंदर पे ही दर्शन होगा और देन फिर 9 दिन के बाद इसी रथ में सवार होके, पहला जो है वो भगवान जगन्नाथ का, दूसरा है उनकी बहन का और तीसरा उनके बड़े भाई बलभद्र का, सुभद्रा का सेकंड वाला। तो ये तीनों रथों को एक जैसा तैयार करके रखा जाता है एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में, और इसी में फिर सवार होके भगवान इस वाले रास्ते से घूमते हुए शहर का भ्रमण करते हुए आगे की ओर मेन मंदिर में जाएंगे, जहाँ पे फिर उनको वहाँ पे लोग दर्शन करते हैं।
तो पूरे साल में एक बार ये रथ यात्रा निकलता है, जो कि हजारों लाखों की संख्या में, देखिए कितना ज्यादा भीड़ है, श्रद्धालु शाम हो चुकी, लेकिन लोगों की जो भक्तों की कतार है वो कम ही नहीं हुई है, लगातार बढ़ती जा रही है। और पीछे के अगर आप मंदिर देखें तो पूरी तरीके से चमक रहा है। तो ये मंदिर आपको ना मिल जाएगा बस स्टैंड के बगल पे ही, ज्यादा दूर है नहीं, ये एग्जिट पॉइंट है, इसीलिए इधर से घुसने के लिए आपको नहीं मिलेगा, ये मेन पॉइंट है। दर्शन भी कर लिया। अगर हम मेन चीज आपको बता दें कि भीड़ काफी तादाद में संख्या में है, हर रोज यहाँ पे लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं। पूरा जो एरिया है सुबह से लेकर शाम तक आपको खाली नहीं मिलेगा, यहाँ से लेकर वहां तक ना पूरी दूर दूर तक लोगों की जनसंख्या जो है वो आपको दिख जाएगा। बहुत ही ज्यादा लोग यहाँ पे पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। पहला जो है प्रथम जो इस साइड से जब आप आएंगे तो प्रथम जो है जो रथ है वो भगवान जगन्नाथ का है, दूसरा उनकी बहन का है, और तीसरा जो है भगवान जो है बलभद्र का, उनके बड़े भाई का। तो तीनों रथों को यहाँ पे तैयार करके रखा गया। रात को स्पेशल आप घूम सकते हैं, जो कि पूरा एरिया जो है वो रात को पूरी तरीके से रोशनी से चमचमा जाता है और सब चीज आपको देखने को मिलेगा। भीड़ के साथ साथ में लोगों की जनसंख्या, झूले, सब कुछ लगे हुए हैं। इसके साथ साथ में नृत्य कार्यक्रम भी होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जो कि यहाँ के जो पूरी है उनके द्वारा किया जाता है, जो उड़ीसा वाली सरकार है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया बहुत जगह पे, जहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, नृत्य का आनंद ले सकते हैं आप, और पूरा भक्तिमय में आप डूब जाएंगे जब कभी भी आप आएंगे। और यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे रथ को छू सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। अभी 9 दिन तक यहाँ तक रहेगा, उसके बाद देन यहाँ से जाएगा, लेकिन इन 9 दिनों में कई लाख लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। जगह जगह पे पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से मुस्तैद है, हर जगह आपको दिक्कत नहीं होगी, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, कहीं से भी आप आ रहे हैं ऑटो मिल जाएगा, साथ साथ में लोगों की जनसंख्या जो है वो आपको लगातार मिल जाएगी, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा कभी भी कहीं भी। तो ये सबसे अच्छा खासियत है कि आपको यहाँ पे पुलिस प्रशासन, अभी मेरे पीछे भी देखिए यहाँ पे इतने संख्या में, तो जगह जगह पे है, एक एक चौक चौराहे पे आपको मिल जाएगा,
रात को भी दर्शन होता है, शाम को आइएगा उस समय भी आप दर्शन कर पाइएगा, दिन में आइएगा उस समय भी आप दर्शन कर पाइएगा। सुबह में क्या है कि आपको थोड़ा सा भीड़ कम मिलेगा और शाम को क्या है कि भीड़ ज्यादा हो जाता है। जैसे दोपहर होता है फिर भीड़ की जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत संख्या में लोग आते हैं। हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं अभी भी लोगों की जनसंख्या जो है वो कम नहीं हो रही है। अनाउंसमेंट लगातार किया जाता है जिसके जरिए अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेंटर जगह जगह पे बनाए गए हैं जो कि लगातार अनाउंसमेंट किया जाता है। होटल की बजट की बात करें तो होटल यहाँ पे आपको सस्ता सुविधा में मिल जाएगा 500-600 में, लेकिन रात को आप रुकिएगा क्या, पूरा रात आप घूम सकते हैं, पूरा रात ये खुला रहेगा, पूरा रात आप आनंद ले सकते हैं। और रात को स्टेशन वगैरह में रुकने के लिए व्यवस्था की गई है, वहाँ पे शेड लगाया गया है, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे मंदिर के बगल में भी बहुत सारे जगह है जहाँ पे नीचे जो है बालू वगैरह लगा दिया गया, टेंट बना दिया गया, यहाँ पे भी आप सो सकते हैं। तो रात को रुकने की दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज हम आपको कहेंगे, जब कभी भी आप आते हैं ना पूरी कसम से आपको ना रथ यात्रा के टाइम पे ही आना चाहिए, क्योंकि ये विहंगम दृश्य आप तभी देख पाएंगे, नहीं तो उतना जो है भीड़ नहीं देख पाइएगा। अभी जो भीड़ है वो एक अलग लेवल का है, अभी जो लोगों की जनसंख्या है वो एक अलग लेवल का है, अभी जो आप इंजॉयमेंट कर पाएंगे वो एक अलग लेवल का होगा। तो इसीलिए आप रथ यात्रा में आए, जो ये 15 दिन का कार्यक्रम चलता है इसमें आए और बहुत ही विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें अभी हम आपको दिखाते हैं और भी सारी चीजें। ये है पूरा रथ, देखिए अभी भी लोगों की जनसंख्या कम नहीं हो रही और अभी भी लोग यहाँ से जो है फोटोज वगैरह ले रहे हैं। इसके पीछे मेन मंदिर है जहाँ पे भगवान को अभी रखा गया, भगवान अपने घर पे हैं। और ये जो रथ है इसको इसमें सवार होके फिर यहाँ से चलेंगे। तो अभी आंधी तूफान कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं होगा, रथों को ना कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही मजबूती से बनाया गया, पूरी तरीके से लकड़ी से तैयार किया गया। रात को देखिए कितना विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलता है, दिन और रात में देखिए कितना डिफरेंट है, और लोग देखिए कितना ज्यादा भीड़ है। ये पूरा लेवल यहाँ से ना 1 किलोमीटर तक आपको पूरा भीड़ ही भीड़ मिलेगा, पूरा संख्या में भीड़ है, बहुत ज्यादा लोग है, बहुत ज्यादा। तो यही है, यहाँ आइएगा तो एक चीज है कि आपको बहुत आनंदमय लगेगा, मजा आ जाएगा। जानकारी था दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको बता दें जगन्नाथ पूरी जब आप आएंगे यहाँ से बहुत सारी मान्यता है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जो मंदिर है मेन मंदिर वहाँ पे हर एक दिन झंडे को बदला जाता है, जिस दिन नहीं बदला जाएगा ना तो फिर मंदिर बहुत दिनों तक बंद हो जाएगा ऐसा कहा जाता है। प्लस में जो ऊपर में है, मतलब मंदिर के ऊपर में जो लगाया गया गोल चक्र, उसको आप किसी भी साइड से देखेंगे ना तो आपको एक एंगल का दिखेगा। तो इस रथ यात्रा को दुनिया का क्या, भारत के सबसे बड़े रथ यात्रा में से कहा जाता है, जिसके लिए हजारों लाखों की संख्या में हमेशा भक्तजन यहाँ पे लगे हुए रहते हैं और बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ है। अभी अगर आप पूरी से हैं तो जरूर इस मेले का आनंद लीजिए, अगर आप अनेक राज्यों से हैं तो जल्दी से टिकट करवाइए। और अभी रथ यात्रा के दिन में अभी 9 दिन जो है 15 दिन इस बीच में, उसमें आप जरूर एक बार विजिट कीजिए, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा, बहुत भीड़ मिलेंगे और बहुत सारे आनंद और बहुत सारी चीजों को लेके यहाँ से जाएंगे। तो ये पूरा जानकारी था, वीडियो आशा लगा कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। जय जगन्नाथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये रथ यात्रा राज्यपाल श्रीजुक्त गणेश लाल जी एवं पुरी विधायक श्रीजुक्त जयंत कुमार षडंगी महोदय एवं पूर्वतन नगरपाल गौरहरि प्रधान समस्त अतिथि वृंदक सहित अच्छा आमर श्रीजुक्त सुभाषिष खुंटिया आम समस्त अतिथि वृंदक सहित आपण मान ये दुनिया तो समझाने का विषय है।
आपने महसूस किया होगा कि जब आप साथ चलते हैं भगवान जगन्नाथ के।